हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला दो मोस्ट पॉपुलर एलईडी मॉनिटर के बारे में। एक एमएसआई कंपनी की ओर से आने वाली एलईडी मॉनिटर, दूसरी एलजी कंपनी की ओर से आने वाली एलईडी मॉनिटर, दोनों आपको 21.5 इंच के एलईडी मॉनिटर देखने को मिल जाती है। कंपैरिजन में हम देखेंगे किसके अंदर कितने पोर्ट्स दिए गए, डिस्प्ले की क्वालिटी किस टाइप की, स्पीकर किसके अंदर देखने को मिल जाता है, कौन सा पैनल देखने को मिलता है, किसके अंदर कितना रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, किसके अंदर कितना हर्ट्ज देखने को मिल जाता है जिसके कारण डिस्प्ले की स्मूथनेस कितनी, कुछ भी सफरिंग वगैरह करते हो, और बेजल कितने स्लिम है, और स्टैंड की क्वालिटी किस टाइप की, ओवरऑल बॉडी किस टाइप की, वो सारी चीज़ तो आप भी सोचोगे। अच्छा सा एलईडी मॉनिटर बाय करने के लिए आपका बजट अराउंड 5000 रुपीस के करीब है, तो ये एमएसआई वाले मैंने बाय की 5399 के एमएस, डिफरेंट डिफरेंट सेलर है। सीएमई एलईडी मॉनिटर कोई 6000-7000 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। वही एलजी वाली की बात करें तो ये मैंने बाय की 6999 के एमएस, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है। सीएमई एलईडी मॉनिटर कोई 8000-9000 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। और ये वीडियो आप 2023 या फिर 2024 में देख रहे हो, 6 मंथ में इस टाइप की एलईडी मॉनिटर अपडेट होती रहती है, जो लेटेस्ट वाली रहेगी उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। एमएसआई वाले की स्टैंड की क्वालिटी की बात करें तो कुछ इस टाइप का ओवरऑल स्टैंड देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मोबाइल स्टैंड भी देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको मोबाइल वगैरह रखना है वो भी आप इधर झुके खड़ा भी कर सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में। वही एलजी वाले की स्टैंड की बात करें, कुछ इस टाइप का कर्व शेप में स्टैंड दिया गया है, ये जो कि कम स्पेस लेता है, वही ये वाला थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ओवरऑल देखने को मिल जाता है क्योंकि कंप्लीट फ्लैट स्टैंड दिया गया। दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी कंप्लीट मैट फिनिश है, थोड़ी भी ग्लॉसी फिनिश नहीं है, और आज के टाइम पे कोई भी डिस्प्ले आप लोग ग्लॉसी फिनिश वाली मत लो, इसके अंदर जो कि काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन आ जाता है, बैक साइड में सनलाइट हो, विंडो हो गया, या फिर आपकी ट्यूबलाइट हो, उसके लाइट के कारण रिफ्लेक्शन के कारण काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। वही एंटी ग्लेयर मैट फिनिश के अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ा भी नहीं होगा। एमएसआई वाले के बेजल की बात करें, कुछ इतने स्लिम बेजल देखने को मिल जाएगा। वही एलजी वाले के बेजल की बात करें, कुछ इतने स्लिम ओवरऑल बेजल देखने को मिल जाते हैं। बेजल की ऑलमोस्ट जो कि आप देख सकते हो क्वालिटी पूरी की पूरी सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ऐसे नहीं कि इसके अंदर मोटा बेजल, इसके अंदर पतला बेजल, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सेम टू सेम बेजल साइज देखने को मिल जाती है। और जब भी आप एलईडी मॉनिटर को पावर ऑफ करते हो तो पता भी नहीं चलता है जो कि है ना कितना बेजल है और कितना डिस्प्ले, और आज के टाइम पे ये वाले एलईडी मॉनिटर ज्यादा चल रही है एज कम्पेयर टू जो बम्पर टाइप बेजल आते हैं, वो वाले एलईडी मॉनिटर जो कि ओल्ड हो चुके हैं, और ये वाली आपके डेस्क पे काफी ज्यादा प्रीमियम लुक भी देती है। बैक साइड की बात करें तो एमएसआई वाले के बैक साइड में एमएसआई की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, वॉल माउंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, नीचे के साइड में पोर्ट्स कनेक्टिविटी का देखने को मिलेगा, ओवरऑल कुछ इस टाइप का जो कि बैक साइड का डिजाइन बनाया हुआ है एमएसआई का। वही एलजी वाले की बात करें तो बैक साइड में आपको एलजी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया है, और जो कि पोर्ट्स देखने को मिलता है वही एमएसआई वाले के नीचे के साइड से पोर्ट्स कनेक्ट हो गए, वही एलजी वाले के बैक साइड में स्ट्रेट हमारे केबल्स वगैरह पोर्ट्स कनेक्ट हो गए। दोनों एलईडी मॉनिटर के अंदर स्पीकर नहीं दिया गया है। अब पोर्ट्स कनेक्टिविटी की बात करें तो एमएसआई वाले के अंदर आपको एक वीजीए, एक एचडीएमआई 3.5 जैक और पावर पोर्ट का कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। वही एलजी वाले के अंदर एक वीजीए, दो एचडीएमआई 3.5 जैक और पावर पोर्ट का कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। तो एक एचडीएमआई जो कि एलजी वाले के अंदर ज्यादा दिया गया, इसका एडवांटेज क्या होता है, इन केस आपको एक एलईडी मॉनिटर के अंदर आपको लैपटॉप भी कनेक्ट करना है और आपको सीपीयू भी कनेक्ट करना है, और जैसे कि आपके एलईडी मॉनिटर के पीछे एक ही एचडीएमआई पोर्ट है, तो एक बार आप सीपीयू के पीछे कनेक्ट करोगे एचडीएमआई केबल, फिर सीपीयू के पीछे से निकाल के आप लैपटॉप में कनेक्ट करोगे, तो बार बार निकालना पड़ेगा। वही दो एचडीएमआई पोर्ट होते तो इसके कारण जो कि दो केबल, एक आप सीपीयू के पीछे कनेक्ट कर दोगे, एक आप लैपटॉप के पीछे कनेक्ट कर दोगे, और इधर से ही सेटिंग के अंदर चेंज करके जो कि एचडीएमआई 1 एचडीएमआई 2 के अंदर मूव हो जाओगे। जब भी आप लैपटॉप में काम कर रहे हो तो स्क्रीन को एक्सटेंड करना ईजी हो जाता है विदाउट बैक साइड से केबल निकालना, तो इसके लिए ये एडवांटेज देखने को मिल जाता है दो एचडीएमआई में एज कम्पेयर टू एक एचडीएमआई से। पावर अडेप्टर की बात करें तो एमएसआई वाले के अंदर कुछ इस टाइप का बड़ा साइज का अडेप्टर आएगा, उसके बाद में फिर ये वाला हमारा पावर में कनेक्ट होगा, कुछ इस टाइप का कनेक्टिविटी दिया गया जो कि आपको थोड़ा सा वायरिंग ज्यादा रहेगा। वही एलजी वाले के अंदर एक अडेप्टर आता है, दैट्स इट, जिस तरह फोन का चार्जर रहता है वो जाके आपके बैक साइड में कनेक्ट हो जाता है, तो वायरिंग बहुत ही कम हो जाता है एलजी वाले पावर अडेप्टर से। तो ये तो हो गया बिल्ड क्वालिटी और पोर्ट के बारे में। अब मैं इसका इंटरनल स्पेसिफिकेशन बताया, तो सबसे पहला हमारा मेन्यू एक्सेस कैसे हो पाएगा, तो एमएसआई वाले के बैक साइड में 5 कंप्लीट बटन्स दिए गए, वही एलजी वाले के नीचे के साइड में आपको बटन्स देखने को मिल जाता है जो कि सिंगल जॉयस्टिक वाला बटन दिया गया एलजी वाले के अंदर, इसके थ्रू आपका कंप्लीट कंट्रोल होएगा। अब मेन्यू ऑप्शन की बात करें एमएसआई वाले का, तो सबसे पहला हम फर्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल इमेज इंपोर्ट सोर्स हो गया, नेविगेशन सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू भी है। और इधर जैसे कि मेन्यू को कंट्रोल करने के लिए एग्जिट हो गया, मूव करने के लिए, एंटर करने के लिए इनके बटन को बीच वाले बटन से हमारा ऊपर नीचे मूव होता है, तो ये आपको फंक्शनलिटी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि एक एक मेन्यू में इमेज के अंदर जैसे ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, वो देखने को मिलेगा, प्रोफेशनल
सेक्शन के अंदर मोड, रिस्पॉन्स टाइम, एमआरटी, रिफ्रेश रेट, अलार्म वगैरह देखने को मिल जाएगा। सेटिंग के अंदर एचडीएमआई हो गया, ओएसडी टाइम, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और इनपुट सोर्स के अंदर आपका एचडीएमआई, वीजीए पोर्ट का, ऑटो स्कैन का ऑप्शन और नेविगेशन की जो कि आपको शॉर्टकट की रखना है तो वो भी आप कुछ बटन पे शॉर्टकट की रख सकते हो। इसके अंदर एंटर करने के लिए आपको जो कि फोर्थ वाला बटन पे प्रेस करोगे, इधर उन्होंने बताया हुआ है, तो इसके थ्रू आप कोई भी मेन्यू के अंदर एंटर हो जाओगे। बैक आने के लिए सेम आपको फर्स्ट वाला मेन्यू के बटन पे प्रेस करना, दैट्स इट, एग्जिट हो जाएगा। तो ये मेन्यू के ऑप्शन देखने को मिलते हैं एमएसआई वाले के अंदर। मैं एलजी वाले का एक्सेस बहुत ही सिंपल है, सिंगल बटन है, लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है, जो कि जॉयस्टिक को साइड मूव करना है, आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जॉयस्टिक जो कि नीचे की ओर मूव करोगे नीचे आओगे, ऊपर की ओर मूव करोगे ऊपर जाओगे, अंदर जाना तो इस साइड में करना है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है जॉयस्टिक के थ्रू यूज करना एज कम्पेयर टू बटन से, क्योंकि बटन के लिए हमें फिंगर को आगे पीछे काउंट करना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस तरह मुझे इधर बार बार देखना पड़ता है, वही एक सिंगल बटन से मेरा काम थोड़ा ज्यादा ईजी हो जाता है जॉयस्टिक वाला। तो बाकी फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट दोनों बटन के थ्रू काम हो जाता है। तो इधर मैं सेटिंग के अंदर आया, तो सेटिंग के अंदर हमारा क्विक सेटिंग हो गया, इंपोर्ट हो गया, पिक्चर हो गया, जनरल का ऑप्शन हो गया, ये सारे देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट हो गया, इनपुट लिस्ट हो गया, पिक्चर मोड हो गया, गेम मोड हो गया और जनरल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो एमएसए वाला आपको कंप्लीट फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वही एलजी वाला भी कंप्लीट फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। पैनल की बात करें एमएसए वाले के अंदर वीए पैनल यूज किया गया, वही एलजी वाले के अंदर आईपीएस पैनल यूज किया गया, पर पैनल के अंदर डिफरेंट नहीं है, वही एलजी वाला थोड़ा सा पुराना मॉडल है एक डेढ़ साल, वही एमएसए वाला भी लेटेस्ट मॉडल देखने को मिल जाता है 2023 का, अभी अगस्त मंथ का लॉन्च वाला मॉडल ही है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो एमएसए वाले के अंदर आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, एलजी वाले के अंदर 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। रिस्पांस टाइप की बात करें तो एमएसए वाले के अंदर आपको 1 ms का रिस्पांस टाइप दिया गया, गेमिंग के लिए ज्यादा बेहतर है, वही एलजी वाले के अंदर आपको 4 ms का रिस्पांस टाइम देखने को मिल जाता है। दोनों एलईडी मॉनिटर कंप्लीट आपको फ्लिकर फ्री देखने को मिल जाएगी, दोनों एलईडी मॉनिटर आपको आई कंफर्ट देखने को मिलेगा, तो रात के टाइम पे आप बहुत ही लंबे टाइम तक यूज कीजिए, ब्राइटनेस एकदम लो हो जाता है, तो आप जैसे कि कोई बुक रीड कर रहे हो, फिर एकदम हल्की स्लाइड के अंदर कोई पढ़ रहे हो, तो वैसा आपको लगेगा, आपके आई पे स्ट्रेन होना, हेडेक होना, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। वही एक सस्ती वाली एलईडी मॉनिटर लेते हैं, इसके अंदर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हेडेक होना, आई स्ट्रेन होना या फिर टायर्डनेस फील होना, एक डेढ़ घंटे एलईडी मॉनिटर के सामने काम करते। वही एक आप अच्छी वाली एलईडी मॉनिटर जैसे कि ये वाली लोगे, तो जिसके अंदर बहुत ही कम ब्राइटनेस हो जाता है, ऐसा लगता है आप पेपर पे रीड कर रहे हो, तो इसके कारण आपका आई स्ट्रेन हो गया, हेडेक हो गया, ये थोड़ा भी नहीं होगा। तो ये चीज बहुत ही बेहतर इन एलईडी मॉनिटर दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि आई कंफर्ट है। और दोनों एलईडी मॉनिटर के अंदर आपको बिज़ा माउंट देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये एलईडी मॉनिटर को आपको सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज करना, वॉल पे माउंट करना या फिर सीलिंग पे माउंट करना, गोदाम पे ऊपर लगाना, तो ये चीज पॉसिबल हो जाता है। और आप कोई भी एलईडी मॉनिटर बाय करो तो इसके अंदर आपको वीजा माउंट, वॉल माउंट ले लो, विदाउट वीजा माउंट वॉल माउंट वाली, इनकेस आपको डेस्क पे कम स्पेस है, आपको इन दोनों को स्टैंड पे लगाना है कुछ इस टाइप के, तो वो भी पॉसिबल हो जाता है और आपके डेस्क पे काफी खाली स्पेस बन जाता है। और इनकेस आपका एक आधा डेस्क, इतना ही डेस्क है और आपको इसके ऊपर दो एलईडी मॉनिटर लगाना है, तो वो भी इस टाइप का स्टैंड रहता है ये, जो कि एक जगह लगा देने का, इसके बाद में ये दोनों एलईडी मॉनिटर इस पे हैंग हो जाती है, और आपके इतने डेस्क भी रहेगा तो उस पर भी आपका डुअल एलईडी मॉनिटर हो जाएगा। तो ये चीज पॉसिबल हो पाती है ओनली वॉल माउंट, वीजा माउंट एलईडी मॉनिटर के अंदर रहने से। तो ये चीज आप देख लीजिए, कोई भी एलईडी मॉनिटर आप बाय करो दूसरी वाली भी, तो उसके अंदर वॉल और वीजा माउंट जो बैक साइड में चार होल रहेगी जिसके अंदर आपका एलईडी मॉनिटर माउंट रहेगा, तो वो चीज रहना चाहिए। तो ऑलमोस्ट दोनों एलईडी मॉनिटर को मैंने डिटेल में कंपेयर तो कर दिया, अब लास्ट क्वेश्चन आता है दोनों में से कौन सी वाली बाय करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एमएसआई वाली जो कि लेटेस्ट देखने को मिल जाती है, कम बजट में आएगी, 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम भी दिया गया, तो ये सारी चीज बेनिफिट देखने को मिल जाते हो, जिसके अंदर आप गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, फिर प्रोग्रामिंग हो गया या फिर ऑफिस का वर्क हो गया, वो सारी चीज इजिली हो जाती है, तो वो बेस पे आप एमएसआई वाली की ओर जा सकते हो। वही आप जो कि एलजी के ज्यादा दीवाने हो और आपका जो कि बजट ज्यादा भी है और आपको आईपीएस पैनल भी चाहिए, दो एचडीएमआई चाहिए, जैसे कि आपके पास मल्टीपल सिस्टम है, सीपीयू है, जॉयस्टिक है, फायर स्टिक है, टीवी की तरह यूज करना है, तो वो केस पे आप एलजी वाले की ओर जा सकते हो। परफॉर्मेंस में दोनों के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। सो ऑलमोस्ट सारी चीज डिटेल में बता दी, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एमएसआई वाली मैंने बाय की 5399 के अमेजोन पे, डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ही एलईडी मॉनिटर को 8000-9000 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस की ऑफर भी चालू था। वही एलजी वाली 6999 के अमेजोन पे, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ही एलईडी मॉनिटर को 8000-9000 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस के ऑफर भी चालू था। ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, 6 मंथ में इस टाइप के एलईडी मॉनिटर अपडेट होते रहते, जो लेटेस्ट वाली रहेगी इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।